हलचल तेज है। सीएम केजरीवाल के घर पहुंचे मनीष सिसोदिया। दिल्ली में नए सीएम को लेकर हो सकती है चर्चा। राघव चड्ढा भी केजरीवाल के घर पर मौजूद है। बड़ी चर्चा चल रही है और इस वक्त दिल्ली की सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई है। दिल्ली की राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई है। हर किसी के मन में एक ही सवाल कि अब दिल्ली का नया मुखिया कौन होगा, क्योंकि केजरीवाल का ये बड़ा ऐलान कि ना केजरीवाल सीएम होंगे ना सिसोदिया सीएम बनेंगे। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल कि आखिर क्या इस मामले पर आगे बड़े जानकारी निकलकर सामने आएगी। और फिलहाल जानकारी सामने आ रही है कि राघव चड्ढा भी केजरीवाल के घर पर मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी लगातार बने हुए हैं। और देखिए लाइव हमारे साथ राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, सब हर किसी के मन में इस वक्त यही सवाल कि दिल्ली की सियासत जिस तरीके से गरमाई हुई है, राजनीति में जिस तरीके की हलचल चल रही है, तो ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल कि आखिर दिल्ली का नया मुखिया कौन होगा। और अभी जो जानकारी सामने आ रही है कि किस तरीके से केजरीवाल के घर पर एक मंथन चल रहा है, सिसोदिया मौजूद है, राघव चड्ढा मौजूद है, तो ऐसे में कौन कौन से वो नाम है जो निकल कर सामने आ रहे हैं और फिलहाल दिल्ली की राजनीति को लेकर और फिलहाल क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि वह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और नया मुख्यमंत्री सामने आएगा। केजरीवाल ने एक बात साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई नया चेहरा सामने आएगा। विधायक दल की बैठक होगी, उसमें नए चेहरे पर मुहर लगाया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दो दिन के बाद उन्होंने ऐलान किया था, अभी जो प्रेसवार्ता हुई है, सौरभ भारद्वाज ने जो प्रेसवार्ता किया है उसको बढ़ा करके एक सप्ताह कर दिया गया है कि एक सप्ताह के बाद जो है दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस नाम को फाइनल किया जाएगा। आज बैठकों का दौर चल रहा है, अरविंद केजरीवाल के घर पर बैठक का दौर चल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि देखिए फरवरी में विधानसभा चुनाव है, समय बहुत कम है, तो ऐसे में जो चर्चाएं चल रही हैं, जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को यह बड़ी जिम्मेदारी दे दें, या हो सकता है कि आतिशी जो केजरीवाल की सबसे विश्वासपात्र मंत्री हैं सिसोदिया के बाद, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये दो तीन नामों को लेकर के चर्चा है। लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि जो चुनाव की बात नवंबर में कर रहे हैं केजरीवाल, उसको क्यों नहीं अक्टूबर में करा दे रहे हैं। तो इसको लेकर पूरी तरह से सियासत गर्म है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, वो लगातार मंथन कर रहे हैं कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। एक बात का डर नेताओं के अंदर जरूर रहता है कि अगर मान लीजिए हम कुर्सी से हटते हैं, किसी और को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो पावर सेंटर वो न बन जाए। तो ऐसे में मंथन चल रहा है कि कौन ऐसा नेता है जो केजरीवाल के प्रति सबसे ज्यादा वफादार है, उनके कहने पर वो हट जाए, उनके कहने पर वो रुक जाए। तो उदाहरण के तौर पर देखिए जीतन राम मांझी जो बिहार के मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन बाद में अनबन हो गया और तमाम चीजें ऐसी आई कि उनको हटाना पड़ गया, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। उदाहरण के तौर पर झारखंड देख लीजिए, हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे तो चंपई सोरेन को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया, जब पावर सेंटर ओपन गए तो फिर जब हेमंत सोरेन बाहर आए तो उनको हटाया, आज चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल के साथ साथ जो पूरी उनकी टीम है लगातार इस बात को लेकर मंथन कर रही है कि कोई ऐसा व्यक्ति नया सीएम बने जो आने वाले समय में पार्टी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो अगला सीएम कौन होगा यह देखना होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल नवंबर में चुनाव की बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मंत्रिमंडल भंग कर दें और अक्टूबर में चुनाव करा लें। तो मंत्रिमंडल भंग क्यों नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल अगर चुनाव चाहते हैं, तो यह एक बड़ा सवाल बीजेपी की तरफ से खड़ा किया गया है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए जिस तरीके की हलचल दिल्ली में इस वक्त चल रही है, बड़े बड़े नाम इस मामले में सामने आ रहे हैं। संजय सिंह का नाम प्रबल चल रहा है, राघव चड्ढा का नाम जो है वो प्रबल चल रहा है, और अभी जो बैठक चल रही है वहां पर राघव चड्ढा भी मौजूद हैं केजरीवाल के घर पे, तो ऐसे में किन बातों पर मंथन हो सकता है? और देखिए सबसे बड़ी बात कि इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि केजरीवाल के जगह पर कोई यस मैन पार्टी को ढूंढना होगा जो ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप सके और जो नेतृत्व है वो एक कहीं ना कहीं पार्टी का कर सके। तो ऐसे में यहां पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है और क्या दावेदारी की भी स्थिति यहां पर कुछ बन रही है कि किस तरीके की दावेदारी भी सीएम की कुर्सी पर जताई जा रही है? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी अगला मुख्यमंत्री बनेगा
वह अरविंद केजरीवाल के मन माफिक बनेगा, इसी को लेकर के मंथन चल रहा है। और जहां तक संजय सिंह की बात की जाए या राघव चड्ढा की बात की जाए, तो ये दोनों लोग राज्यसभा सांसद हैं, यह मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जो भी बनेगा उसका कार्यकाल बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। तो ऐसे में जो चर्चाएं चल रही हैं, बस दो नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना दें, या उनकी विश्वास पात्र मंत्री आतिश सिंह उनको बना दिया जाए। क्योंकि उदाहरण के तौर पर देखा जाए, देखिए जब मनीष सिसोदिया जेल चले गए थे तो फिर आतिश सिंह को मंत्री बनाया गया, और मनीष सिसोदिया का जो बंगला है वह जो है अलॉट कर दिया गया था आतिश सिंह को, लेकिन उस बंगले में सिसोदिया का ही परिवार रहता था और आज भी रहता है। तो जो मुख्यमंत्री बनेगा वो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के प्रति वफादार हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो मुख्यमंत्री आवास जो बनाया है, जिसको शीश महल कहा जाता है, कोई ऐसा मुख्यमंत्री न बन जाए फिर मुख्यमंत्री आवास में रहने के लिए दावेदारी करे। तो ऐसा एक ऐसा वफादार होना चाहिए कि जो अरविंद केजरीवाल कहें उनके हाँ में हाँ मिलाए। तो दो नामों को लेकर के चर्चा तेज है दिल्ली में।